कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। अच्छा सजनों, एक वाकया याद आ गया नंगे हों तो। वो है मेरा पहला दिन एसएस स्टील हनमशी। वो एक हमें एक छोटा सा एक इलाका दिया गया था, वहाँ पे अलमारी थी, वहाँ पे हमने जाना है अपने कपड़े अच्छे से जो बेहतरीन पहने हैं वो सिर्फ चड्डी रहने के लिए वो रखने हैं, वहाँ पे वर्दी उठा के पहननी है बड़े अच्छे तरीके से वर्दी। आप काम पे जा रहे हो, जब काम ख़त्म होना है तो आपने उसी जगह पे आना है, अपने कपड़े लेने हैं अच्छे, भावें थ्री पीस पा के आ जाओ नो प्रॉब्लम। यहाँ वास्ते तो कहते जो उतरे सारे थ्री पीस मिलकर अच्छे कपड़े पा के जाने हैं, वो गंदे कपड़े पा जाके नहीं। और वहाँ पे हम हमाम बने होते हैं, वहाँ पे आपने नहा के अच्छे तरीके से फ्रेश होकर घर जाना है। तो मेरा पहला दिन था, मुझे नहीं पता था वहाँ पे कैसा निज़ाम चलता है। मैं जैसे ही मैं वो अपना कच्छा पाया ऐसी मैं भज के दवा तो बुआ खोलिया, मैं वेखे आपको सारे अलफ नंगे। मैंने दो अपने पाकिस्तानी वेखे उस तो भी लंघे भी असी इन्होंने वाह वाह साढ़े व्डे असी तीन के होर साहब से लगे। फिर मैं भज के दवा तो बाहर निकला गया। अब वो उन्होंने सारे का हासा निकल गया भी नवा बंदा है नवा हाले नवे नहीं होया। तो मुझे उन्होंने ना बड़ी कोशिश की है कि मैं वैसे उनके साथ नहा लूँ, बड़े मजाक मैंने करवाए, बड़ा मेरे उन्होंने बिस्त भी किया मुझे, लेकिन मैंने वो अपना कच्छा नहीं उतारा। मैं वैसे ही नहा के जाता था, कपड़े पा के जाता था, कच्चे समेत नहा लेता था। तो वो एक तो ये था, और दूसरा ये था कि वहाँ पे हम पकड़े गए तो वहाँ पे आमर था, वो था मुनीर खां था, वसीम था, खालिद था और मैं था। तो सबको नंगा किया गया, तो मुझे भी मेरी भी बारी आई। तो जब मैंने कमीज़ उतारी तो उन्होंने मेरा देखा कि इसने मार या तशद्दुद सह लिया कुछ, तो थोड़ा सा बाहर पुलिस वाले होते हैं समझ जाते हैं कि इसने इतना कुछ खा लिया, मुझे थोड़ा ना गैर से लगता है। तो उसने मुझे कहा चड्डी मत उतारो, तो वहाँ पर मेरी चड्डी बच गई थी। नहीं तो कहते तो उतारनी भी पड़ती है, मैं क्या करें, वहाँ पर खुदकशी कर ले बंदा। तो ये चीज़ें बार दफ़ा आजमाइश भी होती है। तो वैसे भी जो तुम भलवान जी पैदा होंगे जी चड्डी को नाल नहीं लैके आए, चड्डी तो बनानी पैंती पवानी पैंती। हाँ तुम दोनों की जगह तो पैंपर रख लिया ना, तो भावें अठ घंटे उवे प्यार हो, ये भी एक बुरी बात है। वैसे सफ़र के दरमियान तो होता है, घर में कौन सा पैंपर होता है। अल्लाह हाफिज़।